KTM की सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ड्यूक बाइक कौन सी है आज हम बात करने वाले हैं। साथ में यहाँ पर बताने वाला हूँ EMI डाउन पेमेंट के बारे में और कैसे आप यहाँ पर कोई भी बाइक बहुत ही इजीली मिनिमम डाउन पेमेंट पे अपने घर ले जा सकते हैं। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। यहाँ पर जो है KTM की ड्यूक सीरीज के अंदर वैसे तो टोटल चार बाइक्स आती हैं, बट ड्यूक 125 को मैं इसलिए काउंट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उसका प्राइस जो है काफी ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं तीन मेन KTM ड्यूक बाइक्स के बारे में, जो कि है ड्यूक 200, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। फिर सेकेंड बाइक जो आपको देखने को मिलती है वो है ड्यूक 250, जो कि यहाँ पर आपको दोनों कलर्स के अंदर खड़ी हुई देखने को मिल रही है। और फिर बात कर लेते हैं जो प्रॉपर एक सुपर बाइक वाला फील देती है, एक बिल्कुल रॉकेट मशीन है, ड्यूक 390। तो यहाँ पर जो है आज हम बात करने वाले हैं कौन सी बाइक सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, सबसे ज्यादा पैसा वसूल है। एंड आपको एक काम करना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये तीनों में से कौन सी वाली बाइक सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में, बिकॉज प्राइस जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब भी आप बाइक खरीदने जाते हैं तो पैसा एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर जो है प्ले करता है। स्टार्ट करते हैं ड्यूक 200 के साथ। तो जो ड्यूक 200 आपको देखने को मिलती है 2,31,400 रुपए की देखने को मिलती है। 2,31,400 रुपीज इज द ऑन रोड प्राइस ऑफ ड्यूक 200। यहाँ पर जो है इस बाइक के अंदर तीन टोटल कलर्स आते हैं काफी अच्छे। यहाँ पर एक नार्डो ग्रे आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है, एक जो सेकंड कलर आता है दैट इज द ऑरेंज कलर, और थर्ड कलर जो आता है वो आता है सिल्वर कलर। तो तीन कलर्स के अंदर ड्यूक 200 आती है। यहाँ पर तीनों ही बाइक्स का प्राइस सेम है, 2,31,400 रुपए ऑन रोड जयपुर। यहाँ पर अब बात करते हैं ड्यूक 390 के बारे में। सो ड्यूक 390 जो है कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। इसके अंदर भी जो है आपको दो कलर्स देखने को मिलते हैं, एक प्रॉपर रॉकेट मशीन है, आप देख सकते हैं कितना अल्टीमेट लुक आता है। ड्यूक 390 का जो आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा जयपुर के अंदर लगभग 3,88,400 रुपीज आता है, 3,90,000 रुपये मान लो आप, 3,88,400 रुपीज ऑन रोड प्राइस है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर ड्यूक 250 के बारे में तो 2,90,600 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस हो चुका है, 2,90,600 रुपीज इज द ऑन रोड प्राइस ऑफ ड्यूक 250। चाहे आप ऑरेंज कलर लीजिए, चाहे आप ब्लू कलर लीजिए, आप कोई भी कलर लीजिए, प्राइस आपको सेम देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई बाइक के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो जो ड्यूक 390 और ड्यूक 250 हैं काफी ज्यादा सिमिलर हैं, काफी ज्यादा चीजें शेयर करती हैं आपस में, जैसे कि इनमें आपको जो है सेम व्हील्स देखने को मिलेंगे, सेम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलती है। टायर जो है इसके अंदर मेटजलर के आते हैं, बाकी जो है नॉर्मल ड्यूक 200 और ड्यूक 250 के अंदर MRF के आते हैं। यहाँ पर आपको जो है 5 क्लिक एडजस्टेबल सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको 5 क्लिक एडजस्टेबल नहीं देखने को मिलता है। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्यूल टैंक के बारे में, एग्जैक्टली सेम आता है, सीट का डिजाइन, सीट का साइज सेम है, ऑफसेट मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम आता है, रियर व्हील का जो साइज है दैट इज सेम, रियर टायर का सेक्शन सेम है 150 सेक्शन का, बट इसके अंदर मेटजलर आते हैं, उसके अंदर MRF आते हैं। बाकी ओवरऑल रियर डिजाइन, रियर लुक एग्जैक्टली सेम, मतलब टेल लाइट वगैरह भी सेम आता है। जो हेडलाइट क्लस्टर उसमें अंतर यह है कि इसके अंदर आपको DRLs साइड के अंदर देखने को मिल जाती है एक्सटेंडेड, बाकी ड्यूक 250 के अंदर DRLs यहाँ पर इंटीग्रेटेड देखने को मिलती है यहाँ पर हेडलाइट क्लस्टर के अंदर ही। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक काफी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको कंप्लीट कलर्ड TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर जैसे कि साइड स्टैंड इंडिकेटर, यहाँ पर ABS सुपर मोटो आता है, यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है। आप इसके अंदर जब इस बटन के थ्रू जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं बाइक की, जैसे कि आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं, बाइक इन्फो, ट्रिप इन्फो, यहाँ पर स्पीड कंट्रोल, ओवरऑल जो है आप पूरे सेटिंग्स के अंदर क्विक शिफ्टर वगैरह, कनेक्टिविटी, यहाँ पर क्विक शिफ्टर प्लस जो है आप चेंज कर सकते हैं। क्विक शिफ्टर प्लस इस बाइक के अंदर आता है, इसका मतलब बिना क्लच दबाए, बिना रेस छोड़े आप जो गियर शिफ्ट अप डाउन दोनों कर सकते हो। साथ में यहाँ पर जो है आपको काफ़ी अच्छी प्रॉपर नेविगेशन एंड सेटिंग्स वगैरह भी देखने को मिलती हैं। इसके अंदर डुअल चैनल ईबीएस ब्रेकिंग सिस्टम आती है, यहाँ पर आप रियर का ABS ऑन ऑफ दोनों कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो क्विक शिफ्टर है इस बाइक का वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट मुझे लगता है। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक बहुत अच्छा आता है, इट इज अ वेरी प्रीमियम लुकिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर अब बात करते हैं ड्यूक 250 के बारे में। तो ड्यूक 250 का मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊं तो इसका जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है नॉन कलर्ड LCD डिस्प्ले वाला, कुछ इस प्रकार से। सो दिस इज द नॉन कलर्ड LCD डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी बाइक की, जैसे कि ABS,
यहाँ पर बाइक इन्फो, ट्रिप इन्फो, नेविगेशन, यहाँ पर आप पूरा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, लैप टाइमर तो दोनों बाइक्स के अंदर ही आता है, सेटिंग्स वगैरह, और यहाँ पर हर एक चीज़ आप ओवरऑल चेक कर सकते हो। इसमें भी है सुपर मोटो वाला ABS आता है, मतलब इसका जो ABS रियर का है आप ऑन ऑफ दोनों कर सकते हो। साथ में नॉर्मल चीज़ें ही आती हैं जैसे कि ओडोमीटर, एंड यहाँ पर जो है आपको स्पीडोमीटर, टेम्परेचर इंडिकेटर, टाइम वगैरह सब कुछ नॉर्मल चीज़ें देखने को मिलती ही है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ड्यूक 200 के बारे में, तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है बिल्कुल ओल्ड डिज़ाइन वाला। सो दिस इज़ द ओल्ड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर जो है आप बटन्स के हेल्प से पूरा जो है इसके अंदर टॉगल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक बार मैं आपको अगर दिखाऊं, सो दिस इज हाउ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स लाइक। इसके अंदर भी साइड स्टैंड इंडिकेटर आता है, गियर इंडिकेटर आता है, यहाँ पर आपको इन्फो वगैरह देखने को मिल जाएगी पूरी, फ्यूल गेज, यहाँ पर हीट इंडिकेटर, RPM इंडिकेटर, एंड यहाँ पर जो है पूरा इसके अंदर जाके सेलेक्ट कर सकते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि आप सर्विस कितना ड्यू है, ट्रिप कितना है, ट्रिप वन, ट्रिप टू। ओवरऑल यहाँ पर जो ड्यूक 200 ए बिल्कुल अलग आती है, इसमें काफ़ी सारे अंतर हैं, जैसे कि यहाँ पर जो फ्रंट व्हील है इसका डिज़ाइन अलग है, यहाँ पर आपको स्टाफिश अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर स्टाफिश नहीं आते हैं। इसके अंदर 300 मिलीमीटर का डिस्ब्रेक आता है, उन बाइक्स के अंदर 320 मिलीमीटर का डिस्ब्रेक आता है। ओल्ड डिज़ाइन वाला हेडलाइट क्लस्टर आता है, ओल्ड डिज़ाइन वाली बाइक है, स्प्लिट ट्रेस फ्रेम आता है, सेंटर के अंदर मोनोशॉक आता है, ऑफ सेट नहीं आता है। साथ में डिज़ाइन अलग है सीट का, रियर यहाँ पर जो है आप बात करें डिस्क ब्रेक्स का साइज छोटा है। ओवरऑल जो है आपको ओल्ड डिज़ाइन वाला ही प्रॉपर बाइक का लुक देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे वैल्यू फॉर मनी बाइक जो है वो आपको इन सब में से देखने को मिलती है ड्यूक 250, बिकॉज 2,90,600 रुपये आप जब दोगे तो आपको ड्यूक 390 वाली सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और जो है आपको ड्यूक 200 वाली खास चीज़ जैसे कि अच्छा माइलेज, यहाँ पर जो है आपको अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और लिटरली ड्यूक 250 जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक, क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी अच्छा है, माइलेज आपको ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पर लीटर देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के अंदर जो है ओवरऑल आपको सारी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो एक बाइक के अंदर आपको चाहिए होते हैं, लाइक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑफसाइड मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम, बेटर इंजन, ग्रेट ब्रेक्स, बेस्ट इन क्लास ब्रेक्स लगते हैं मुझे ड्यूक 250 के अंदर, बिकॉज 320 का फ्रंट में आता है, 240 का रियर में आता है। सो अल्टीमेट आपको जो है ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको जो है अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, कंफर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है, लाइट वेट बाइक है, हल्की गाड़ी है तो चलाने में बड़ा आसान है, संभालना बड़ा आसान है, तो ये सब जो खास बातें हैं वो इस बाइक को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बना देती है। बाकी अगर आपके पास बजट अच्छा है, पैसा अच्छा खासा है, तो मेरे हिसाब से आपको सीधे ड्यूक 390 के साथ जाना चाहिए, बिकॉज बेस्ट इन क्लास फीचर्स लोडेड विद टेक आती है। सो अगर आपका बजट अच्छा है, ऑलमोस्ट 3,88,000 इफ यू कैन स्पेंड, तो डायरेक्टली आप ड्यूक 390 ले लो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा रादर देन गोइंग फॉर ड्यूक 250। बट हाँ, अगर आपका बजट कम है तो ड्यूक 250 मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा वसूल वैल्यू फॉर मनी बाइक है। बाकी आपको यहाँ पर कौन सी वाली बाइक सबसे ज्यादा अच्छी लगती है तीनों में से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मेरी फेवरेट ड्यूक 390 है, बिकॉज ऑफ इट्स पावर, जो इसकी पावर है वो अनबीटेबल, अनमैचेबल है, बहुत ही अल्टीमेट पावर आपको देखने को मिलती है। सो वही एक इकलौता रीजन रहेगा मेरे को ड्यूक 390 के साथ जाने का। बाकी आपको कैसी लगती है KTM की बाइक्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, वीडियो से लगी हो लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा। मिलते हैं आपसे वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।